आपका एफटीपी, एफटीपी में भी छोटी छोटी तीन अमेंडमेंट हैं माय डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर तीन छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आपके लिए आई हैं। क्या हैं वो अमेंडमेंट्स, ये मैंने नोट्स के अंदर एक टेबल बना रखी है, कहो तो मैं टेबल से ही दिखा दूं, बड़ी सुंदर सी टेबल है, आपको पसंद आएगी। तो सी टेबल इन नोट्स, सी टेबल इन नोट्स, चलो जी आइए देखते हैं। यह है बाबू आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के संबंध में। अब मैं लिखूं तो इसमें ना वेल डिजाइंड मैंने टेबल बना दी है, और इसी पर्पज से बनाई थी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वैसे ही आप इसे भागने का प्रयास करते हो कि भाई साहब यहां यहां से निकाल ले चलो हमें, है ना। पर मैंने YouTube पर भी डाल रखी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आई थिंक वो सिंपलेस्ट वर्जन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। YouTube पर मेरे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, दो वीडियो हैं, नवरात्रों में रिकॉर्ड किए थे मैंने, तो उसमें उस वीडियो के अंदर ये छोटे छोटे तीन पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा जिससे कि आपको पूरी अपडेशन मिल जाए। एम ई आई एस मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम रिवार्ड लिमिट फॉर एक्सपोर्ट मेड बाई पोस्ट और कुरियर। इसके अंदर जब आप सुनो, जब आप बाई पोस्ट या कुरियर के माध्यम से एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स अपना, तो एम ई आई एस मी इश के चलते हुए आपके लिए मैक्स टू मैक्स वैल्यू रिकॉग्नाइज की जाती थी 25,000 के लिए। यानी मी इश का रिवार्ड अगर आपको चाहिए, यहां रिवार्ड पाने के लिए, एक्सपोर्ट के बेनिफिट पाने के लिए, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू कंसिडरेबल थी वो 25,000 रुपए थी। मतलब इसका मान लीजिए आपने कोई कंसाइनमेंट अपना 10,000 की वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है, तो आपको जो रिवार्ड मिलेंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे, वो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, 10,000 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपने कोई कंसाइनमेंट 30,000 का एक्सपोर्ट किया है, तो आप बाई पोस्ट किया है या बाई कोरियर किया है, तो वहां आपके जो रिवार्ड पॉइंट होंगे वो 30 के हिसाब से नहीं, मैक्सिमम 25,000 तक अलाउड किया गया है। 25,000 के हिसाब से आपके पॉइंट कंप्यूट किए जाएंगे। सर अगर हमने मान लो 75,000 का माल बाई पोस्ट एक्सपोर्ट कर दिया, तो भी आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव मैक्स टू मैक्स 25,000 के हिसाब से ही काउंट किए जाएंगे। सर हमने 1.5 लाख का कर दिया, तब भी आपके 25,000 के हिसाब से ही काउंट किए जाएंगे। अगर 5,000 का किया तो फिर 5,000 के हिसाब से। तो एक्चुअल में आपकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये था बेसिकली पॉइंट। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इज दिस कि यहां पर जो 25,000 रुपए की लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी थी, ये लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए। जी आपने सही सुना, 5 लाख रुपए, अच्छा हुआ ना। यस, तो बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर रिवार्ड अंडर मी इस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मेड थ्रू कुरियर या फॉरेन पोस्ट ऑफिस विद रेस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट वगैरह, इनके संबंध में ये कुछ आपके बेनिफिट मिला करते थे। तो पहले लिमिट थी 25,000 की, अगर 25,000 से ज्यादा का कंसाइनमेंट है तो आपके रिवार्ड 25 पे ही काउंट किए जाते थे। लेकिन बाबू मेरे, आज के डेट में 25 को बदलकर 5 लाख कर दिया गया है, और 5 लाख से ऊपर के मान लो 6 लाख का माल आपने बाई पोस्ट, मान लो लेदर फुटवेयर आपने 6 लाख के एक्सपोर्ट कर दिए, तो आपका जो एक्सपोर्ट बेनिफिट काउंट किया जाएगा, जो रिवार्ड काउंट किया जाएगा, वो 5 लाख पे काउंट किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख। बाकी सब कुछ सेम है, अंतर सिर्फ इतना आया है कि 25,000 की लिमिट काट कर उसे कर दिया गया है 5 लाख रुपए। तो जो YouTube पर मेरे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के वीडियोस पड़े हुए हैं उनमें ये बात आपकी और ऐड हो जाएंगी। तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। एक्सपोर्ट प्रमोशन लिमिट, जी यहां पर क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारा सपना तो यही होता है कि एक्सपोर्ट हमारा हर हाल में बढ़ना चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ भाई बाहर सैंपल वगैरह तो भेजना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भेजने की लिमिट पहले क्या थी और अब क्या थी, लिमिट में बदलाव आया, बाकी और कुछ भी नहीं है। एनुअल लिमिट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर स्टेटस होल्डर, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी कैटेगरी बनी हुई है स्टेटस होल्डर की, तो उनके लिए क्या होता था, पुरानी लिमिट कहती थी 2% और 1 करोड़,
विच एवर इज लोअर, इतने तक का माल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप बिना किसी फॉरेन करेंसी के इंडिया के बाहर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। 2% किसका था? एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन 3 years, पिछले जो 3 licensing ईयर्स हैं आपके, उन 3 सालों का एवरेज निकालो, एवरेज निकालकर उसका 2% करो, जो भी निकल के आ रहा है उसकी तुलना 1 crore से कर दीजिए, विच एवर इज लोअर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने बाबू ये 1 crore की जो बाउंडेशन थी ये हटा दी है, ये हटा दी है, तो अच्छा हुआ या गलत हुआ? बाबू अच्छा हो गया। मान लीजिए ये आपका 1000 crore निकल के आ रहा था किसी व्यक्ति का पिछले 3 साल का एवरेज, 1000 crore का 2% कितना हो जाता है, 20 crore हो गया, लेकिन आपको सिर्फ विच एवरेज लोअर के चलते 1 crore तक का ही माल आप बाहर भेज सकते थे। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार ये क्या तरीका है, हमारा 1000 crore का टर्नओवर है तो 1 crore से क्या होगा, सैंपल वगैरह के लिए अच्छा खासा माल आगे जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1 crore की बंदिश ये हटा दी, कहते ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अमेंडमेंट को देखकर ये थोड़ा फील और जोश सा नहीं आता क्या कि हाँ यार लग तो रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, कुछ तो घटित हो रहा है अंदर ही अंदर, मुझे तो पक्की पक्की फीलिंग आ रही है। आप भी जरा मुझे बताना कि ऐसा, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेशन होना, सारी चीजों को मजबूत करना, टाइट करना, स्ट्रिक करना, जहां कंट्रोल की जरूरत है कंट्रोल करना, जहां रिलैक्सेशन देने की जरूरत रिलैक्सेशन देना, जहां एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात है वो वैसी बात की जा रही है, फटाफट क्विकली सारे चेंज किए जा रहे हैं। तो ये लिमिट यहां से खत्म कर दी गई है, अब सिर्फ रह गया है आपका 2% की बात यहां पर रह गई है। हाउएवर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो प्रेशियस चीजें हैं जो थोड़ा सा सेंसिटिव मानी जाती हैं, थोड़ी स्मगलिंग वगैरह भी हो जाती है, उन पर वो 1 crore वाली बाउंडेशन अभी भी रखी हुई है, उनका तो 2% और 1 crore विच एवर इज लोअर, उनके बारे में ऐसी बात कर दी गई है। एंड फाइनली एग्जम्पशन फॉर IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस दी जाती है। IGST कॉम्पनसेशन सेस जब आप अलग अलग स्कीम के तहत इंपोर्ट करते हो, जैसे एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EOU स्कीम के तहत आप जो करके चलते हो, तो ये एग्जम्पशन जो है वैलिड रहेगी, इसकी कट ऑफ डेट दे रखी थी 1/10/2018, नाउ द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31/3/2019, ऐसे करके ये हमारी बात यहाँ पर हो जाती है। आइए अब मैं इन तमाम बातों को बाबू